पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर BMI बॉडी मास इंटेंसिटी। उसके एज वी डिड इन द लास्ट वीडियो कि हमने BMI कैलकुलेट किया था विदाउट कैलकुलेटिंग हाइट इन मीटर्स। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे हाइट इन मीटर्स, देन हम जाएंगे BMI पे। वो लिखना है वो वाइल लूप का लिखना है, जिसके अंदर हम सबसे पहले इनपुट लेंगे। तीन इनपुट होंगे, फर्स्ट कैलकुलेटिंग हाइट फ्रॉम इंचेस टू मीटर, सेकंड वन कैलकुलेटिंग BMI, एंड द थर्ड वन इज फॉर टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम। अब हम इसके लिए इनपुट लेंगे 8 इन इंटीजर्स, कि हम उस पर इफ एलिफ एल्स लगा सकें। यहाँ अगर इनपुट 1 कोई करें तो हम कैलकुलेट करेंगे हाइट इन मीटर्स, अगर इनपुट कोई 2 करें तो हम कैलकुलेशन BMI करेंगे, और अगर कोई 3 इनपुट करता है उसको टर्मिनेट कर देंगे। हमने इफ लूप लगाया, कंडीशन लगाई कि अगर इनपुट 1 हो तो हम कैलकुलेशन करेंगे हाइट की फ्रॉम कन्वर्टिंग इंचेस टू मीटर्स। इनपुट लेंगे फर्स्ट वन फॉर फीट, लाइक फीट 6 इंचेस हैं, तो पहला इनपुट मेरा है 5 फीट दूंगा इसको प्रोग्राम को, और जो सेकेंड इनपुट लिया है मैंने इन इंचेस लिया है, जो मैं इंचेस करूँगा 6, और इसमें प्रोग्राम किया है कि 6 इंचेस को पहले वो फीट में कन्वर्ट करेगा, यानी 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। सो जो 6 है वो डिवाइडेड बाय 12 और उसको प्लस कर देगा फीट में जो मैं करूँगा, यानी 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 12 5.5 आएगा। हमने प्रिंट फंक्शन अप्लाई कर दिया कि द हाइट इन मीटर्स इज जो कैलकुलेशन के बाद आई। अब हम सेकेंड एलिफ लूप लगाएंगे फॉर कैलकुलेटिंग BMI, और इसमें अगर आपने इनपुट 2 दिया तो BMI की कैलकुलेशन स्टार्ट होगी।
अभी जैसे ही हम ये सारे इनपुट देंगे BMI कैलकुलेशन के लिए, तो आप ये देखेंगे कि प्रोग्राम वापस स्टार्ट हो गया, टर्मिनेट होना चाहिए था यहाँ। तो उस टर्मिनेशन के लिए मैं यहाँ जो मैंने इंपोर्ट करवाया है BMI से, BMI फंक्शन, उसको मैं रिमूव करूँगा और वहाँ का पीस ऑफ कोड कॉपी करूँगा। देखिए मैं रिमूव करा और मैं यहाँ से पीस ऑफ कोड कॉपी एंड पेस्ट करूँगा वहाँ। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि BMI कैलकुलेशन कैसे हुई, आप प्रीवियस वीडियो चेक कर लीजिएगा।